मैंने दुआ दिया तो शफकत चिंगारिया, जीतोगे तुम दुनिया। हाँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप लोगों का, स्वागत है और 14 अगस्त मुबारक। आपको हर जगह ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा, मेरे कपड़े भी ग्रीन, पीछे पौधे दरख्त सब ग्रीन है भाई। तो इस 14 अगस्त के मौके पर मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ। तो यार बात यह है कि KGF की जो ऑफ़र है ना, KGF फिल्म आप लोगों ने तो देखी होगी यार। पहले मैंने रॉकी भाई का रोल के लिए मुझे ऑफ़र आई थी, आप लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन ऐसा हुआ था। लेकिन यार बस क्या बताऊँ, मैंने उन्हें मना कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इतना गरीब आदमी हूँ, माइकल भाई के घर का माली हूँ, तो मैंने मना क्यों कर दिया? मेरे को तो सबसे पहले जाना था, शोहरत दौलत सब मिलती। लेकिन यार ये देखो, ये कितना बड़ा गार्डन है माइकल भाई का, ये दरख्त पौधे ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है। और उस वक्त यार तूफान इतना तेज़ आए थे ना, सारे पौधे ख़राब हो गए थे, तो मुझे गार्डन का बहुत सारा काम करना था। तो मैंने KGF के लिए मना कर दिया था कि यार मैं रोके भाई का रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए यार मैं KGF में ना हीरो के रोल में नहीं आ सके, क्या गार्डन का काम बढ़ गया था। किसी को बताने नहीं है रहस्य की बात है, ये मैंने जिमी भाई को भी नहीं बताई है, नहीं तो वो मानेंगे नहीं ना और वो मजाक समझेंगे। लेकिन ये सच है, आप लोग तो जानते हो यार, कमेंट में बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ ना, एग्री करना मेरी बात पर। चलो यार, यहाँ की थोड़ी हमें पौधा सेट करना है, इसकी जड़ें खराब हो रही हैं यार। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन देखी नहीं जहाँ शफकत ने गार्डनिंग की ही नहीं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो बेईमान इसके। तो हाँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, स्वैग साहब लोगों का स्वागत है यार। यार 14 अगस्त तुम लोगों को मुबारक हो, लेकिन एक हराम पे ही कर दिया यार अपने साथ। स्कूल कॉलेजेस ना यार सैटरडे को भी ओपन होंगे यार, पहले सैटरडे की छुट्टी होती थी ना, तो सैटरडे संडे की छुट्टी में मज़ा आता था यार, फिर वीकेंड में ना, लेकिन यार सिर्फ संडे की छुट्टी हो गई यार, हराम पे ही कर दी गवर्नमेंट ने यार, कुत्ते की नस्ल। खैर छोड़ो यार, अब जो भी है सहना तो पड़ेगा ना, क्या करें, हम बच्चों की बदुआएँ लगेंगी यार, हमारी सैटरडे की छुट्टी छीन ली। खैर यार आज के दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था यार, तो हम पाकिस्तान की खुशियाँ मनाते, ये मनहूस बातें नहीं करते। तो यार आप लोग देख लेंगे मेरी टी शर्ट पे यार किसी किस्म का ग्रीन कलर का कोई बैज नहीं है, तो यार ये मेरे नॉर्मल डेज में भी काम आती रहेगी ना यार। अगर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था ना मेरी शर्ट पे, तो फिर मैं सिर्फ 14 अगस्त पे पहनता था, अब मैं इसे पहनता रहूँगा नॉर्मल डेज में भी। तो यार पैसे बचा लिए आपके भाई ने। और ये देखो यार, ये तुम लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था, मैंने कहा पहले से नहीं बताऊँगा, एकदम से सरप्राइज दूंगा, तुम लोग हिल जाओगे। मुझे पता है तुम लोगों को शौक लगा होगा कि मैंने पापा की लैंड क्रूजर लेकर इसको ग्रीन करवा लिया। यार पापा है ना मेरे को लैंड क्रूजर अब चलाने के लिए दे देते हैं, लेकिन यार मैंने ना थोड़ा गलत फ़ायदा उठा लिया। मैं पापा की लैंड क्रूजर ले गया, इसको मैंने ना ग्रीन कलर की रैपिंग चढ़वा ली, मतलब कलर नहीं करवाया, ये ब्लैक वीएटी है ये, अपन इसकी रैपिंग हटा लेंगे ना तो ब्लैक हो जाएगी दोबारा। बस ये मैंने आज के लिए ना इस पर ग्रीन कलर की रैपिंग करवाई है यार, महंगी बहुत पड़ी, वेट की रैपिंग है ना यार, PPF वाली जो रैपिंग होती है। तो यार मैंने सुपरा पे भी करवा सकता था मैं, और बाकी अपनी गाड़ियों पे भी करवा सकता था, लेकिन मैंने करवाया नहीं यार, मैंने कहा बड़ी गाड़ी है ना वेट। पहले तो मैंने सोचा था कि यार ये जो बेंटले है ना पापा की, इस पर रैपिंग कराऊंगा, लेकिन भाई नहीं यार, इस पर तो इतना सा स्क्रैच लग गया ना, तो पापा मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि बहुत महंगी है भाई बेंटले के पैसों में, तो भाई 15-20 वेट आ सकती है भाई, इतनी महंगी है बेंटले यार, तुम लोगों को क्या पता यार। तो मैंने सोचा यार पापा की वेट पर यहाँ रैपिंग करवा लेते अपन, थोड़ा जश्न वगैरह मनाने निकलेंगे। टोयोटा सुपरा में या FX वगैरह में अगर मैं कराता ना ग्रीन कलर की रैपिंग, मज़ा नहीं आता, वेट बड़ी बड़ी है ना यार, सब देखेंगे यार वेट, ग्रीन कलर की वेट तो सबसे अलग लगेगी, इसलिए मैंने पापा की वेट लिया। और मज़े की बात, पापा को पता ही नहीं है उनकी वेट के साथ होकर गया, वो तो घर में सो रहे हैं भाई, फैन की आँख, फिर डांटेंगे थप्पड़ मारेंगे अगर उन्होंने देखा तो। खैर मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहेंगे, जश्न का दिन है यार 14 अगस्त का दिन है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, तुम लोग हिल जाओगे यार, डिक्की खोलता हूँ, आय हाय 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 हाय, ये देखो भाई डिग्गी में असला भी तैयार है भाई, दिखाता हूँ तुम लोगों को, सबर कराओ फैन की आँख। ये देखो AK-47 पापा की वेट में रखी हुई थी, ये भी अपन ने चुपके से निकाल ली, अब भाई ये फायरिंग के लिए काम आएगी भाई, 14 अगस्त सेलिब्रेशन करेंगे भाई, मज़ा आएगा ये। अब यार पापा को पता नहीं लगनी चाहिए कि मैं फायरिंग करूँगा बाहर जाके, उन्हें तो वेट का भी पता नहीं लगना चाहिए यार, अपन तो बस 14 अगस्त का जश्न मना के आ जाएंगे यार। पापा को अगर पता लग गया ना मैंने गन उठाई भी है, तो मुझे इतना मारेंगे ना, मेरे मुंह का नक्शा बदल देंगे भाई। अब यार वेट का उन्हें पता ना लगे, मैं जश्न वगैरह मना के आऊँगा ना, तो ये रैपिंग हटाता हुआ ही आ जाऊँगा बाहर से ही, तो पापा को पता ही नहीं लगेगा। बस यार कोई चुगलखोरी ना कर दे यार, बस यार फंस ना जाऊँ मैं।
यार ये गन जरा मैं अपने पास ही रखता हूँ, मजा आ रहा है यार, इतनी भारी उठाई भी नहीं जा रही यार, फायरिंग कैसे करूंगा यार। पापा तो यार यूं ही फायरिंग कर लेते हैं यार, गुज्जर को भी इस गन से ही मारा था अपन ने। कहा तुम लोगों, गुज्जर को अपन ने कैसे मारा था इस गन से? मैंने नहीं मारा था, मेरे पापा ने मारा था। गुज्जर के बारे में नहीं पता तो भाई जाके सीरीज देख लो तुम पूरी मेरे चैनल पे। मुझे गुज्जर ने उठा लिया था, जबरदस्ती केस में फंसा दिया था वो, तो मैं क्या स्टोरी बताऊँ यार, तुम खुद जाके देख लो यार। अकेला सेलिब्रेशन करूंगा ना यार, मजा नहीं आएगा, तो कलुए को भी साथ ले लेता हूँ। हाँ भाई कलुए। अबे क्या हो गया जिमी भाई, टॉर्च लाइट क्यों मारे जा रहे हो? अबे कलुए इधर तो देख ला, हरे हरे आवाज पड़ तू। अबे बैठ गया जिमी भाई, क्या कर रहे हो? AK-47 का एम बनाए हुए हो, गन तुम्हें चलाना नहीं आती, मेरे पे फायरिंग कर दोगी बिला वजह में? अबे नहीं मैं फायरिंग नहीं करूंगा, इतना कमजोर नहीं समझ अपने जिमी भाई को, कभी चलाई नहीं है मेरे AK-47, लेकिन बस क्या करूं आज चलाऊंगा। अबे जिमी भाई क्या कर रहे हो, मजाक अच्छा था ये तो देख ले पहले तू। hey, अबे जिमी भाई माइकल भाई की वेट को तुमने ग्रीन करवा लिया? अबे हाँ ना, सरप्राइज है, पापा को तो पता ही नहीं है। hey, सरप्राइज है ये? हाँ हाँ, लेकिन पापा को पता है नहीं है अभी तक, लेकिन है सरप्राइज ये। तो पापा को बताओगे तुम? अबे तू पहली बात मेरे पापा को पापा नहीं बोला कर, वो सिर्फ मेरे पापा है, तू बोला कर माइकल भाई। अच्छा अच्छा माइकल भाई, माइकल तो जिमी भाई, माइकल भाई तो तुम्हें डांटेंगे ना यार? नहीं डांटेंगे भाई, नहीं डांटेंगे, 14 अगस्त का दिन है, जश्न का दिन है आज, वो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता है, मैं गाड़ी को खराब नीला कुछ भी करवा लो कुछ नहीं करेंगे। मैं एक मिनट में आता हूँ जिमी भाई। अबे कहाँ जा रहा है? रुको रुको यार, जिमी भाई ने इतना अच्छा सरप्राइज तैयार रखा है माइकल भाई के लिए, तो उन्हें मैं बुलाना तो बनता है ना, वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। माइकल भाई देखेंगे ना उनका बेटा वतन से कितनी मोहब्बत करता है, गाड़ी ग्रीन करवा ली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोग देख सकते हैं मेरी ड्रेसिंग, मैंने फुल अपने पाकिस्तान के फ्लैग की थीम का सूट पहना हुआ है पूरा। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हम पाकिस्तानियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, तो अच्छी तरह जश्न मनाएं और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, अपनी हद तक अपनी सेलिब्रेशन करें। माइकल भाई क्या हुआ, शफकत बुला रहा है, सब खैर है? हाँ शफकत बोलो क्या हुआ। माइकल भाई वो आपके लिए सरप्राइज है। हाँ मेरे लिए सरप्राइज? नहीं नहीं माइकल भाई, मेरी तरफ से नहीं, वो जिमी भाई की तरफ से आपको सरप्राइज। जिमी और मुझे सरप्राइज देगा वाकई में? ऐसा हो ही नहीं सकता, मजाक कर रहे हो ना तुम? नहीं नहीं माइकल भाई नहीं, मजाक नहीं कर, आप आए ना मेरे पीछे, मैं आपको सरप्राइज दिखा दूँ। एक तो अकेला हमेशा मेरे रास्ते में आती है, अकेला तेरी मुझ पर गंदी नजर है क्या? कहाँ लेके जा रहे हो शफकत? माइकल भाई अपनी आंखें बंद करें। अरे मुझे स्टेट्स तो क्रॉस करने दो यार। जी जी माइकल भाई, आप पहले सीढ़ियाँ उतर जाए फिर आंखें बंद कर लिएगा। चलो अब कर ली मैंने आंखें बंद। ऐसा कैसे सरप्राइज है? अबे कलुए पापा को ले आया। माइकल भाई आंखें खोलें। आंखें खोलें? अरे ये जिमी ये क्या है? अबे शफकत पापा को लाने का तोड़ी कहा था। जिमी भाई आपने तो कहा था माइकल भाई के लिए सरप्राइज है ये। अबे पागल हो गया क्या, पापा से छुपा नहीं दिए? एक मिनट यार जिमी, ये क्या किया तुमने? वो नहीं पापा, वो इंडिपेंडेंस डे है ना पापा, तो मैंने कार में मॉडिफिकेशन करवाई है वेट में आपकी ना, ये रैपिंग चढ़वा दी पापा, ये पेपर है, ये PPF वाला रैपर, ये हट जाएगा पापा, बेफिक्र हो जाए, आपकी ब्लैक वेट ही है ये, बस मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए पापा थोड़ी सी इसमें रैपिंग चढ़वा ली है, मैंने कहा थोड़ी सेलिब्रेशन करेंगे। पहली बात तो ये है जिमी, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, अगर सेलिब्रेशन करनी है तो किसी इंसान या किसी बेजुबान की मदद करो, वो होती है असली सेलिब्रेशन, ये गाड़ियाँ पे खर्चा करना बेकार है। जिमी तुमने क्या हरकत की है ये? और पहली बात, तुमने मेरी पर्सनल गाड़ी पर इतना सब कुछ करने का सोचा भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें जवाब दे दिया कि बाप की गाड़ी में तुम इतना सब कुछ कर लोगे, इतनी मॉडिफिकेशन कर लोगे? पापा रैपिंग चढ़ाइए। तो रैपिंग कोई पेपर नहीं है, इतना महंगी लाखों रुपए की लगती है रैपिंग। अरे पापा मार क्यों रहे हो यार? अगर तुम अपनी टोयोटा सुप्रा पे करवाते ना, या FX पे करवाते, या 125 पे करवाते, मैं तुम्हें मारता नहीं सिर्फ डांटता, लेकिन तुमने मेरी पर्सनल गाड़ी पे करवाया। पापा लग रही है, पापा माफ कर दो, इंडिपेंडेंस डे पापा आजादी का दिन है। तुमने जो हरकत की ना, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें मैं इस दुनिया से आजाद कर दूं। पापा पेट पे मुक्का नहीं मारो पापा, पेट नाजुक जगह होती है पापा, दर्द होता है। पापा क्या हो गया यार, मार क्यों रहे हो पापा? इतना अच्छा दिन है पापा, इतने अमीर हो गए हम, फिर भी आप मुझे मार रहे हो, इतनी छोटी थी बात पे पापा, मार क्यों रहे हो पापा? हम कोई मुस्तहिक लोग थोड़ी है, कोई मिस्किन थोड़ी है, जो आप इतना कह रहे हो खर्चा हो गया खर्चा हो गया। इंसान कितना भी अमीर हो, लेकिन फालतू खर्ची मुझे जहर लगती है, अगर करनी थी तो किसी की मदद कर लेते ना, किसी बेजुबान की या किसी इंसान की, किसी जानवर की मदद कर लेते यार। गाड़ी पे तुमने लाखों रुपए लगा के ये PPF रैपिंग करवा ली,
पापा सॉरी पापा, मैंने सोचा बड़ी बड़ी गाड़ी वेट है, सब बोलेंगे वेट ग्रीन ग्रीन वेट, हर कोई मेरी तरफ देखेगा, थोड़ी वाह वाह हो जाएगी पापा, शोहरत मिलेगी, थोड़ा फेमस हो जाऊंगा पापा इंस्टाग्राम टिकटॉक पे। मैंने तो ये सोचा था पापा आप तो मार रहे हो यार, ये कोई तरीका नहीं है पापा, आप कभी भी मारने लग जाते हो हर उल्टे काम में, तुम ऐसा लगता है हमने किसी क्रिमिनल को जन्म दिया है। पापा ये जो आप कर रहे हो ना ये भी क्राइम ही है, बेटे को मारती हो। तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ जिमी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो जिमी, इतनी बार पिट कर भी। पापा सॉरी पापा, मासूम बच्चा हूँ पापा, गलतियाँ बच्चे ही करते हैं। अगर तुम मेरी नज़रों के सामने और रहे ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इससे बेहतर यही है कि मैं खुद चला जाता हूँ। पापा इतनी सी बात पे नाराज हो रही हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चुप हो जाओ। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया यार, ये तो ढीठ पे ढीठ होता जा रहा है यार। आप लोग भी यार इस तरह के फजूल खर्चे नहीं किया करें, फायरवर्क्स में या गाड़ियों पर बिलावा जामे, कोई अच्छा काम कर लिया करें। अगर कल तक इसने PPF नहीं हटाया ना गाड़ी पर से V8 पर से, तो मैं इसकी जान ले लूँगा जिम्मी की। अबे गंदी नाली के कीड़े, हराम की नस्ल, तेरे को कहा किसने था पापा को, तू ये बात बता। अभी वो जिमी भाई, मैं समझा कि वो आप माइकल भाई को सरप्राइज दे रहे हो इंडिपेंडेंस डे का। कुत्ते की नस्ल, तू हम बाप बेटों के बीच में लड़ाई करवाना चाह रहा है, नफरत करवाना चाह रहा है। अबे जिमी भाई मार क्यों रहे हो यार, मेरा वो मतलब थोड़ी था यार। हराम की नस्ल, जब मैं तेरे से बात कर रहा था तो तू पापा के पास क्यों भागा, तेरे अंदर क्या मैंने 6 फीट की उंगली दे दी थी क्या? नहीं नहीं जिमी भाई यार, वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था ना। तेरा एक्साइटेड माय फुट। अच्छा जिमी भाई, मुझे छोड़ के तू नहीं जाओगे ना? जिमी भाई मैं भी साथ चलूंगा यार। जिमी भाई यार नहीं यार, मैं भी सेलिब्रेशन करूंगा जिमी भाई, सॉरी यार, अच्छा माफ़ कर दो यार, मैं थोड़ा सा वो मासूम होना यार जिमी भाई। बैठो गाड़ी के अंदर। अरे थैंक यू यार जिमी भाई, लव हो गया यार, आपका दिल तो बहुत बड़ा है जिमी भाई यार, थैंक यू यार। यार तूने मेरा मूड खराब कर दिया यार, तूने पापा को क्यों बताया यार कल हुए? यार जिमी भाई वो थोड़ा मैं मासूम सा हूँ जिमी भाई, वो समझ ही नहीं पाता मैं बातें। यार वैसे सही कह रहे हैं यार पापा, मैं अपनी टोयोटा सुप्रा वो हरा करवा लेता ना, ये PPF ग्रीन कलर की, मैं अपनी सुप्रा में चलवा लेता ना तो सही रहता। हाँ जिमी भाई तुम्हें भी कड़ा काटा ना, तुमने माइकल भाई की पर्सनल कार पे कर दी, तो सही नहीं है ना यार। हाँ यार गलती तो है मेरी यार, लेकिन चलो कह रहा है यार, चल पापा ने मेरे से ना छीनी नहीं गाड़ी, उन्होंने मुझे दे ही दी एक तरह से गाड़ी आज के लिए ना, फिर वो चुपचाप चलाएगा। अगर ऐसा होता ना उन्हें मुझसे छीननी होती गाड़ी, तो वो अपनी गाड़ी को ना मना करके जाते कि मैंने गाड़ी को हाथ नहीं लगाना। चल अपन तो सेलिब्रेशन करें यार, अबे पिट पिट के ना मैं भी ठीक हो गया हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता पापा मारते ना, मैं भी भाई बस दरगुजर कर देता हूँ यार, क्या करूँ बस। बड़े ढीठ हो जिम्मी भाई तुम। चुप कर तू, सबको तेरी वजह से होते, हमेशा तेरी वजह से पिटता हूँ मैं। अबे जिम्मी भाई जरा आराम से, ये फिसल ना जाए गाड़ी यार, स्लिप हो जाएगी गाड़ी, ये ड्रिफ्टिंग नहीं मारो। अबे हाँ हाँ हाँ, तू सदा ना बन नहीं, अब तू समझा नहीं मेरे को सही, तू मेरा बाप नहीं है, तू है नौकर, एक तो तेरे को मैं लाया ऊपर से, तू मेरे को ये मशवरे दे रहा है, मेरे को सिखा रहा है। अच्छा नहीं जिम्मी भाई यार, अब तो गर्म हो गए यार। अरे अबे ठुक गई गाड़ी यार। मैं समझा भी रहता, देखो जिम्मी भाई मैं समझा रहता तुम्हें, देखो आराम आराम से चलाओ, ये गाड़ी जो है ना सुकून से चलाने वाली है, शपाटर गिरी के लिए नहीं है जिम्मी भाई। अबे हाँ शपाटर गिरी के लिए नहीं है अरे वाली गाड़ी यार, लेकिन चल खैर है यार, कोई बंदा नहीं है, स्क्रैच तो पड़ गया होगा यार, खैर यार दो थप्पड़ और खा लूँगा यार, कोई मसला नहीं है। हाँ बड़ा आसान है, दो थप्पड़ और खा लूँगा है, फिर तुम पीछे से अपने पापा को गालियाँ देते हो। अबे ओए कभी बताइयो नहीं तू पापा तक ना बात के, मैं गालियाँ देता हूँ पीछे से यार, मैं वैसे नहीं देता यार, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ यार, लेकिन मैं गुस्से में ना वो मैं दे देता हूँ यार, वो पीछे से ना सामने से तो नहीं दे पाता, अगर कभी दे दिया तो जान से मार देंगे। नहीं नहीं जिम्मी भाई तुम माँ बाप की इज्जत करो। हाँ यार तू सही कह रहा है यार, ऐसे लोग ना सिर्फ दोज़ख में जाते हैं मरने के बाद, जो माँ बाप की है ना नाफरमानी करते हैं ना, उससे अल्लाह खुश नहीं होता, ना वो ज़िंदगी में कभी कामयाब होता है, फिरौन की मौत मरता है वो बंदा। अबे अच्छा ना यार, डरा हो रहा है यार, सॉरी यार, आइंदा मैं नहीं करूँगा यार पापा से बदतमीजी यार, पीछे से भी नहीं करूँगा यार, पापा मुझे कितना भी मारे यार अब बदतमीजी नहीं करूँगा यार, जैसे भी है मेरे पापा है, मार सकते हैं अबे यार। ये देखो फेट ठोक दी तुमने, फेट ठोक दी जिमी, अबे जिमी भाई नुकसान हो गया, देखो डेंट पड़ गया पीछे जिमी भाई। अबे यार मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बंदे भी गए यार मुझे मारने आ रहे, भागो भागो भाई भागो। अबे जिमी भाई रोको नहीं, वो आएगा मारने आ रहे वो बंदा। अबे हाँ यार, अबे हाँ नुकसान हो गया यार। जिमी भाई तू बॉडी तबाह होगी गाड़ी की यार। खैर यार दो थप्पड़ और खा लूंगा, ये दो दो थप्पड़ खाते खाते ना किसी दिन माइकल भाई तुम्हारी जान ना ले लें। अबे यार नुकसान हो गया यार, 14 अगस्त के लिए तैयार करवाई थी गाड़ी यार।
ये माइकल भाई की फेवरेट गाड़ी है V8, तुमने इसको तबाह कर दिया है, वो इस पे एक स्क्रैच बर्दाश्त नहीं कर सकती। कह रहे यार तू डराने में बोल दूंगा, शफका चिंगारी चला रहा था तो वो उससे स्लिप हो गई गाड़ी। अबे वो मेरे नाम भी नहीं लेना, नहीं तो मैं सारे राज खोल दूंगा। तो माइकल भाई को पीछे से क्या कहते हो, क्या सोचते हो उनके बारे में, वो सारी जो तुम राज मुझे कहते हो ना वो मैं बता दूंगा। अरे अच्छा ना जानी, नाराज क्यों हो रहा है यार, मैं तो मजाक कर रहा था, वही बोल रहा था यार मैं तो यार। मेरे को हाँ गड़वाना भी नहीं तुम कभी, नहीं तो फिर मैं, तुम जानते हो मैं सारे राज खोल दूंगा। अरे अच्छा ना, कल हुए जलेबी अंडे की तरह हो रहा है तू। चलो भाई सेलिब्रेशन करें शिफ्कत अपने हिसाब से फिर अपन। अरे जिम भाई थोड़े एंजॉय तो करो, आती थोड़ी थोड़ा घूमे फिरे तो यार। अबे यार लेकिन देखो यार पूरी गाड़ी तबाह हो गई यार, ये देख यार। यार पीछे की सारी बॉडी तबाह हो गई गाड़ी की यार। जिमी भाई क्या करे, तुमने इतनी गंदी मार दी, वो बंदे मर भी सकते थे यार। अबे हाँ यार मुझ पे केस हो जाता यार, मैं जेल में चला जाता हूँ उम्र कैद के लिए। चल चल कश्ती में बैठा जा, कश्ती चलाते। हाँ जो कश्ती चलाते हैं, जो 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 कह रहे यार हम लोग इतने अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह यार, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो जिमी भाई आराम से चलो जिमी भाई, कश्ती पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी कश्ती। अबे नहीं होगी, आती है मुझे चलाना, मैं पहले भी चलाता था। आया ओए ओए ये देख, यहाँ तो ड्रिफ्ट पे मार सकता हूँ, या तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा अपना। हाँ यार एक्सीडेंट नहीं होगा, कितने भी ड्रिफ्टे मारो लेकिन कश्ती पलट गई ना सीधे फिर पानी में गिरेंगे और शार्क मछली का खाना बन जाएंगे। अबे हाँ कह तो सही रहा है, शार्क मछली का खाना बन जाएंगे। तुम तो हो भी इतने गोल मटोल थे ना, तुम्हें बड़ा खून है और बड़ा गोश्त है, तो बड़ा मजा आएगा शार्क मछली को खाने में। अबे हाँ तुझे तो मुंह में लेके ही थूक देगी वो। अरे क्या है काला जला हुआ ये कोयला हमने खा लिया है। हाँ बस कर दो तुम बॉडी शेमिंग कर रहे हो तुम मेरे साथ। हाँ तू मेरी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा कि इतना खून है गोल मटोलो गोश्त है। अबे गिर गया यार। हाँ हाँ और करो मेरे से बदतमीजी, देखा देखा शफकत से बदतमीजी करोगे ना तबाह बर्बाद हो जाओगे। क्यों तू क्या कोई काला जादू करता है? अभी नहीं जी मैं तो ऐसे ही कह रहा था, क्या हो गया कैसे कैसे अल्जामत लगाते हो। आजादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। ये जिम्मे भाई रुको, बंदे लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। अबे डरने दे माय फुट, मैं तो फायरिंग करूंगा। ओए 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 हवाई फायरिंग, ओए 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 मजा आ गया यार। ये जिम्मे भाई मजा आ रहा है वैसे यार, मुझे भी चलाने दो यार। अबे नहीं भाई नहीं, बहुत है हार्ड है चलाना, मैंने भी यूट्यूब से सीखा था, मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है देखो। हमें कंप्लेन मिली है ये कौन हवाई फायरिंग कर रहा है, जरा इसकी हवा निकालते हैं जो हवाई फायरिंग कर रहा है। कॉन्स्टेबल ये सामने ग्रीन V8 में जो है ये लोग तो नहीं है? अरे हाँ इसके हाथ में ये AK-47 है, अभी इसकी हवा निकालता हूँ, बल्कि थाने में ले जाकर इसकी रिमांड लगाएंगे ना। लीगल हरकतें करता है, हवाई फायरिंग करता है पब्लिक प्लेस पर। जी भाई पुलिस पुलिस। अरे अरे पुलिस अंकल, अरे पुलिस अंकल क्या हाल है कैसे हो? हमें कंप्लेन मिली है तुम लोग हवाई फायरिंग कर रहे हो। हाँ हाँ वो थोड़ी सी कर रहे थे, हाँ वो 14 अगस्त थे ना वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। हाँ आपको क्या काम है, क्या पैसे वैसे चाहिए क्या चाय पानी के? अरे हाँ हाँ सारी पुलिस पैसे में बिकती है भाई, कितने पैसे चाहिए? 5,000-10,000 कितने चाहिए भोको? माइकल डिसेंटा का बेटा हूँ, कोई मुझे नहीं उखाड़ सकता, हवाई फायरिंग करूँगा। जिमी भाई जज्बाती नहीं हो, जिमी भाई बदतमीजी नहीं करो समझो। अबे तू चुप कर। हाँ बताएं आपको पैसे चाहिए तो बताएं मैं आपको दे देता हूँ। कितने? चले 10-20 हज़ार नहीं, 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये दे दूँ, चेक बना के दूँ या ट्रांसफ़र करूँ या कैश दूँ, आप बताएं। बेटा ये AK-47 मुझे दिखाना। हाँ ये चेक करो अंकल, बहुत महंगी है, ज़रा संभल के। हाँ AK-47 ओरिजिनल है ये तो, बहुत महंगी भी है और बहुत भारी भी है। वैसे एज क्या है आपकी? मेरी एज होगी 16-17 साल होगी, मेरे को भी याद नहीं है वैसे तो कंफर्म। तो फिर चलो थाने हरामजादे। मुझे क्यों मारा? तेरी छोटी उम्र में तू हवाई फायरिंग करता है? इतनी हिम्मत की पब्लिक में हवाई फायरिंग करेगा और तू मौलवी बनता है अपने आप को, है मौलवी का होलिया बना के घूम रहा है? इतनी बड़ी उम्र का होके इस बच्चे को नहीं समझा सकता? मैं तो माली हूँ इस घर का, मैं मालिक थोड़ी हूँ। क्यों मार रहे हो? मैं तो माली हूँ, नौकर हूँ। तू भी इस गुनाह में शामिल है, तू भी थाने चलेगा। मेरा क्या कसूर? अरे नहीं 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 मारो पुलिस अंकल, बैठ के बात हो सकती है, बता दो कितने पैसे चाहिए। हम तुझे रिश्वत खोर नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टेबल हथकड़ियां बांध दो उनको।
और गाड़ी में डालो, इनकी थाने में ले जाके इनकी हवा निकालते हैं, पब्लिक में हवाई फायरिंग करते हैं, किसी को लग जाए, किसी इंसान को, किसी जानवर को गोली लग जाए तो। सॉरी सर, माफ कर दो सर, हम मासूम बच्चे हैं सर, हमें घर जाने दो सर। हम तो सेलिब्रेशन करने आए थे 14 अगस्त की। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन तो हम तेरे साथ करेंगे थाने में, जब तेरी पिटाई लगेगी। कांस्टेबल, इनकी गाड़ी लेके थाने तक पहुंचो। वैसे यार मेरे को तो गाड़ी चलाना आती नहीं है वैसे बिल्कुल भी, लेकिन चलो जिंदगी में पहली बार में ट्राई कर लेता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ। अरे ये तो बटन दबा के स्टार्ट होती है, मैं तो समझ रहा था कि इसमें भी 70 बाइक की तरह चाबी लगती है। अरे अरे ठुक गई यार, ब्रेक नहीं लगा, मेरे को चलानी नहीं आती ना यार, हम तो 70 चलाने वाले कांस्टेबल हैं यार। एक अरे दरवाज़ा क्यों खुल गया ये, अब आराम से चला रहा। अरे फिर ठुक गई यार, चल क्यों नहीं रही है यार। चलो इनका जब बाप ये जो भी इनकी जमानत करवाने आएगा तो बोल देंगे बच्चों ने ही गाड़ी ठोकी। अबे फिर दरख्त पे लग गई यार, पत्नी मेरे से चल क्यों नहीं रही है यार, दरअसल ज़िंदगी में पहली दफ़ा चला रहा हूँ ना। अरे 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 यार, इनकी गाड़ी की तो रेड मार दी मैंने यार। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे कि बच्चों ने ही गाड़ी मारी है इधर उधर। अब सही चला रहा हूँ ना, एक्सपर्ट हो गया मैं तो 5 मिनट में अंदर। अरे 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 अरे, मैंने फिर ठोक दिया इनको यार, इसकी पत्नी कौन सी गाड़ी थी बेचारे बंदे की, मैंने ठोक दी यार। चलो चलो निकलता हूँ यार, बिलावजा में बल्ली आ जाएगी सर पे। Close your eyes.